In this video, we are going to discuss about class 8 honeydew book chapter 6. This is Geordie's Fawn. ठीक है, जॉर्डीज मतलब इसमें एक लड़का है, फॉन मतलब होता है हिरण का बच्चा. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. बिफोर यू रीड, ऑफन इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, जब भी हमें कभी हाथ में या पैर में स्मॉल कट होता है या बर्न होता है तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले घर में कुछ क्विकली जो इफेक्टिव क्योर्स होते जिससे कि उसमें आराम मिल सके, हम वो चीज़ों को करते हैं. ठीक है, तो यहाँ है कि कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में पूछ रहा है कि अगर तुम्हारे घुटनों पे कट जाए, आर्म्स पे कट जाए या मधुमक्खी काटे तो तुम क्या लगाते हो उस पर. इन दिस स्टोरी जॉर्डीज़ फादर हैज़ बीन बिटन. एक स्टोरी में हम लोग जॉर्डी नाम का एक लड़का है, उसके फादर को एक स्नैक, एक जहरीले स्नैक होता है ये लिटल स्नैक, उसने काट लिया था और उसके फादर ने जल्दी से एक डो को मारा था. डो मतलब होता है फीमेल डियर. ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको लिटल स्नैक काटता है तो अगर आप एक फीमेल डियर को मार के उसके हार्ट को और लीवर को उस मतलब जगह पे जहाँ पे सांप को सांप ने आपको काटा है अगर वहाँ पे आप रखेंगे उसका जहर बाहर आ जाता है. ठीक है, जॉर्डी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट द मदर. ठीक है, और जो जॉर्डी होता है वह यह सोच के परेशान होता है कि जो जॉर्डी मतलब जो लड़का होता है वह यह सोच के परेशान होता है कि उसकी माँ को तो उसके फादर ने मार दिया था. ठीक है, तो अब उसका क्या होगा, उस जो छोटा सा बच्चा था उसका डियर का फॉन इसको बोला जाता है, उसका उसकी मदर के बिना क्या होगा. ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं. देखिए, यहाँ से जॉर्डी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू हिज फॉन. जॉर्डी जो नाम का जो लड़का है उसके बार बार जो विचार जो थॉट्स हैं वो फॉन पे ही आके रुक जा रहे हैं. ठीक है, वो उसके माइंड से जा नहीं रहे हैं. ठीक है, उसे ऐसा बार बार लग रहा था कि उसने उस हिरण के बच्चे को अपने सपनों में अपने बाहों में पकड़ा हुआ है. ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एक टेबल रखी होती है, वहाँ से स्लिप होते हुए अपने फादर के पास तक जाता है और उनसे पूछता है मतलब पैनी जो उसकी पैनी मतलब उसके जो फादर होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो रेस्ट ले रहे होते हैं, लेटे होते हैं और जो उनकी आईज़ होती है वो ओपन एंड क्लियर, उनकी आँखें खुली होती हैं, क्लियर होती हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी आँखों के जो पिपल्स होते हैं, जो आँखों के अंदर का जो होता है पार्ट, वो काफ़ी डार्क दिखाई देता है. ठीक है, वो अपने फादर को पूछता है कि फादर आप कैसे हैं, तो उसके फादर बोलते हैं जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन, मतलब कि वो जो मौत मेरे सर पर जो मौत मंडरा रही थी वो पूरी तरह से जा चुकी है. ठीक है, पैनी सेड आई एम प्राउड ऑफ़ यू बॉय. फिर उसके फादर उसको बोलते हैं कि बेटा मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने इस मुसीबत में भी हार नहीं मानी और तुम घबराए नहीं और मेरे साथ खड़े रहे. ठीक है, उसको देखिए फिर वो पूछता है पा यस सन, पा डू यू लैक करेक्ट डो एंड द फोन. और फिर वो पूछते हैं पापा क्या आपको उस डो एंड फोन के बारे में याद है. ठीक है, तो उसके फादर बोलते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता. द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन, उस पुअर डो ने उस फीमेल डियर ने मेरी जान बचाई है. ठीक है, बाद द फॉन मे बी आउट देयर येट आई माइट बी इट मेड बी हंगर स्केयर. वो बच्चा बोलता है ना कि वो जो उसका बच्चा था मतलब वो जो लड़का रहता है वो बोलता है कि डियर का बच्चा तो पता नहीं, हो सकता अभी भूखा हो या डरा हुआ हो. उसके फादर बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो पापा बोलते हैं कि आई एम बिग, पापा बोलता है कि मतलब वो अपने पापा से बोलता है लड़का कि आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डो नॉट गो एंड सी इफ आई कॉन फाइंड द फॉन. मतलब ये जो बच्चा लड़का रहता है यह चाहता है कि यह हिरन के बच्चे को अपने घर ला के रखे क्योंकि उसकी मदर को उसके फादर ने मार दिया था जहर को कम करने के लिए. ठीक है, और वो बोलता है कि मैं तो काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध पूत की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मैं उसको दूध दे दिया करूँगा अपना. ठीक है, पैनी जो रहती है पैनी ले क्वाइट स्टारिंग एट द सीलिंग, वो चुपचाप लेट के ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहे होते हैं. फिर वे बोलते हैं कि बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, मतलब तुमने मुझे ऐसे मुसीबत में डाल दिया है कि ना मैं हाँ बोल सकता हूँ ना मैं ना बोल सकता हूँ, मतलब क्या बोलूँ मैं. ठीक है, और वो बोलते हैं कि इट विल नॉट टेक मच टू रेज, मतलब ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्च तो नहीं आएगा. ठीक है, इसको पालने में फॉन को, और वो जल्दी जब बड़ा होगा तो वो ईटिंग लीव्स मतलब पत्तियाँ खाने लगेगा और एक्रॉन्स मतलब भूरे कलर का नट्स होता है एनिमल्स के लिए, उसकी बात कर रहा है.
ठीक है। उसके फादर बोलते हैं कि यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपने एज के और दूसरे बच्चों से काफ़ी स्मार्ट हो, ठीक है। वी लुक इट्स मदर एंड वॉज नॉट टू ब्लेम, सो इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्रे। मतलब वो बोलते हैं कि तुम जाके अपनी मदर से पूछ लो, उनसे भी परमिशन ले लो और उसको यहाँ पे लेके आना अच्छा होगा, और इस तरह से उसको जंगल में अकेले छोड़ना बहुत अनग्रेटफुल होगा, ठीक है। बेटे मैं तुम्हें नहीं नहीं बोल सकता, आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि एक और दिन मैं उसको अकेला वहाँ पे छोड़ूँ। यहाँ वर्ड मीनिंग देखते हैं, हेम्ड इन मतलब होता है कॉट इन अ सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन है फंसना जहाँ पे ना नहीं कह सके, और अकाउंट्स मतलब होता है स्मॉल ब्राउन नट्स, ठीक। आगे देखिए, सिडल बैक, यहाँ वर्ड मीनिंग दी हुई है, इसका मीन्स होता है वॉक बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, मतलब कि धीरे धीरे शांति से चलना ताकि कोई नोटिस ना कर सके। कैन आई राइड बैक विल मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, टेल, ठीक है। वो बोलता है जो मिलविल होता है वह मतलब एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी होता है, तो जो ये बच्चा होता है वो अपने फादर से पूछता है कि क्या मैं उसके साथ पीछे बैठ के घोड़े पे फॉर्म को लेने जा सकता हूँ, तो फिर उसे वो पूछते हैं कि एक बार अपनी मदर से परमिशन ले लो। फिर वो अपनी मदर के पास जाता है, टेबल के पास जाके बैठा रहता है जहाँ पे उसकी मदर कॉफ़ी निकाल रही होती है सबके लिए, और वो बताता है कि उसके पापा ने उसको परमिशन दे दिया है उस फॉर्म को घर लेके आने के लिए। तो पूछती कौन से फ़ोन को, तो बताती वही फ़ोन जिसकी माँ को मार के पापा की जान बचाई गई है, उस स्नैक ने जो रेडल स्नैक ने काटा था उसके पॉइजन को निकाला गया है, ठीक है। और पास इट वुड बी अनग्रेटफुल, और ये भी बताता है कि पापा ने कहा कि काफ़ी अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसको वहाँ जंगल में अकेले छोड़ देंगे, ठीक है। डॉक विल्सन सेड दैट साइड मैम नथिंग इज इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, फिर उसको बोलती है, उसकी माँ बताती है कि हाँ विल्सन क्या होता है ना कि उनके मतलब उनके उसके पेरेंट्स का टाइटल होता है, ठीक है। फिर उसकी वो बोलती हैं कि हाँ ये बात सही है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, ठीक है। द बॉयज़ रेड, लड़का भी सही बोल रहा है, उसके डैडी भी सही बोल रहा है। मिल विल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, मतलब जो ये पूरी बात मिल विल्स को बोल रहे होते हैं उसकी माँ से कि बेटा भी सही बोल रहा है और डैडी भी उसके सही बोल रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं घोड़े को राइड करूँगा और जो ये बच्चा है ये मेरे पीछे घोड़े पर बैठेगा। आई विल हेल्प, मैं हेल्प करूँगा उसको फोन को ढूँढने में। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और इस तरह से वो अपने आप को हेल्पलेसली ही पाती हैं। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हाँ अगर तुम उसे अपना दूध दे दोगे पीने के लिए तो फिर हमें उसे कुछ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर देखिए, मिल विल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, इस तरह से देखिए ये मिल विल है, घोड़े पर बैठा है, पीछे इसके लड़का बैठ जाता है, ठीक है। माँ बाक्स्टर आग अनएक्सली यू विल नॉट बी गोइंग, मतलब वो बोलती हैं, माँ उसको बोलती हैं कि तुम ज़्यादा अधिक दूर तक नहीं जाना, ठीक है। तो जॉडी जो लड़का रहता है ये बोलता है कि नहीं मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा और रात में डिनर तक वापस आ जाऊँगा, ठीक। आगे देखिए, मिल विल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडीज अप बिहाइंड, मतलब इस तरह से उसको पकड़ के बैठ जाता है। ही सेड टू मिल विल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, वो पूछते हैं मतलब ये बच्चा जो जॉडी होता है वो मिल विल से पूछता है क्या तुम सोचते हो कि वो जो फोन है वो अभी भी वहीं पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मुझे उसे पाने में हेल्प करोगे। देखिए, विल फाइंड इट इफ ही इज अलाइव, वो बोलता है कि हाँ हम उसे पा सकते हैं अगर वह जिंदा होगा। और हाउ यू नो इट सी, लेकिन तुम ये कैसे जानोगे कि वही वाला फोन है, ठीक है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फोन, मतलब बताते हो कि शरीर पे ना एक जैसे लाइन से कई सारे निशान हैं तो मैं उसको पहचान लूँगा, ठीक है। इस तरह से पैराग्राफ वन या पार्ट वन कंप्लीट हो गया, पार्ट टू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।